इस फोन को हमने कॉन्स्टेंटली अराउंड 3 मिनट्स लिक्विड में डिप करके रखा था और 2 मिनट हमने थोड़ा सा यहाँ पे खिलवाड़ किया बिकॉज इस फोन का जो डिस्प्ले है वो रेन वाटर टच सपोर्ट करता है। दैट मीन्स अगर आपका फ़ोन एक्सीडेंटली पानी में गिर जाता है और आपके फिंगर्स वेट होते हैं तो यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग काम करनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट या कभी कभी काम नहीं भी करता है, जैसे कि अभी ये काम नहीं कर रहा है। मैंने फिर से फिंगर को वेट किया एंड थोड़ा शेक किया, लेट्स सी, लाइक 8 out of 10 टाइम ये वर्क कर जाता है। स्टिल आप ये चीज़ ट्राई भी करेगा, हु नोज कि रेन वाटर टच के चक्कर में आपके फ़ोन के इनसाइड में लिक्विड चला जाए। लेट्स सी क्या फ़ोन फुली फंक्शनिंग है कि नहीं है। फ़ोन क्लीन कर लिया मैंने गाइस एंड बेसिक टेस्टिंग में तो फ़ोन ओके लग रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर आप कह सकते हो सुपर सेंसिटिव नहीं है, थोड़ी सी ये आप कह सकते ना काइंड ऑफ ओके ही है। शेक करते हैं और देखते हैं क्या इनसाइड फ़ोन के कुछ लिक्विड मिलता है कि नहीं मिलता है। ये रहा सिम ट्रे के इनसाइड ऑफ कोर्स एक लिक्विड का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है, श्योरली फ़ोन के अंदर भी काफ़ी पानी होना चाहिए। और यहाँ पे ढेर सारे आप देख सकते हो लिक्विड के ड्रॉप्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ऑफ कोर्स वन प्लस के फ़ोन से आप IP67 या 68 फ्लैगशिप पे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो बजट में आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट IP54 था, इस प्राइस के बहुत सारे फ़ोन आजकल मिलने लगे हैं जिसमें आपको IP67 तक भी मिलने लगा है। स्टिल लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे आपको एक बेसिक सा स्क्रीन प्रोटेक्टर फ़ोन पे प्री अप्लाइड मिलेगा। ऑफ कोर्स इस फ़ोन में आपको कंप्लीट प्लास्टिक बेस्ड कंस्ट्रक्शन मिलेगा बिकॉज ये वन प्लस नॉट CE है एंड CE स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्रोमाइज्ड एडिशन। ये तो एक शार्प रिजन नाइफ थी, लेट्स ट्राई आउट एक नॉन शार्प ऑब्जेक्ट क्या इस फ़ोन को स्क्रैच कर सकता है। ऑफ कोर्स कोई भी आप नॉन शार्प ऑब्जेक्ट भी लेंगे वो भी इस फ़ोन में बड़े आसानी से स्क्रैचेस कर सकता है। वन प्लस की ब्रांडिंग इनसाइड से है तो ऑफ कोर्स वो फेड नहीं होगी। फ्रेम भी ऑफ कोर्स कंप्लीट प्लास्टिक है विद अ पेंट जॉब ऑन द टॉप। ऑफ कोर्स आई एयर ब्लास्टर है, नो डॉल्बी, बढ़िया हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट है। बटन भी कंप्लीटली प्लास्टिक मेड है, होपफुली बाहर ना आए। आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम वन प्लस में कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन चेंज हुआ है स्लाइटली, ये सैमसंग की कॉपी आप कह सकते हैं, आई डोंट नो किसी और ब्रांड की, बट हाँ कम्प्लीटली यूनिक नहीं है, ये भी प्लास्टिक होना चाहिए। सेट पर ये कि अगर आप केस लगा भी लेते हैं तो भी ये पोर्शन ऑलवेज ओपन रहता है और चाहे ना चाहे भी ये मेटल के कॉन्टैक्ट में आता रहेगा। स्मॉल रिंग्स ये होपफुली मेटल की होनी चाहिए। थैंकफुली इस पर कोई 2 MP का सेंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, इंस्टेड एक रिंग लाइट सी दी गई है जो या शायद वीवो के फ़ोन से कॉपीड आप कह सकते हैं। ईयर पीस फिल काफ़ी टाइनी है सो मोस्ट लाइकली कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट कॉइन एंड कीज वो इसको डैमेज नहीं कर सकता है। बैक टू द सिम ट्रे, गुड पार्ट क्या है कि यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये चीज़ बजट फोन में लगता है फिर से आने लगी है। कंस्ट्रक्शन भी ऑफ कोर्स इसका एक्सपेक्टेड है जैसा कि होना चाहिए एंड इसकी जो रिंग है फॉर दिस स्प्लैश प्रोटेक्शन की जो कैस्केट प्रोटेक्शन लगा है थोड़ा सा अपने आप ही पीछे सा हो गया, सीरियसली काफ़ी बेसिक सा है और ये हल्का सा उठ भी जा रहा है। अगर आप एक्सीडेंटली सिम ट्रे रॉन्ग डायरेक्शन से लगा देते हैं या उसको बेंड कर देते हैं देन हाउ अबाउट दैट,
यो क्रैक सा हो गया है, बट होपफुली शायद वर्क कर भी जाए। टाइम फॉर द डिस्प्ले टेस्ट। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग ग्लास नहीं यूज़ किया गया, राधा देन ड्यूअल रीइंफोर्स्ड पांडा ग्लास यूज़ किया गया है। पांडा ग्लास हमने पहले वीवो के बहुत सारे फ़ोन्स में देखे हैं। वट एवर कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि यस इट इज इक्विवेलेंट टू द कॉर्निंग, स्टिल अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो यहाँ पर रिजल्ट थोड़े से अनयूजुअल है। लेवल 4 पे आपको यहाँ पे फाइन स्क्रैचेस दिखाई पड़ जाएंगे, 5 पे, देन 6 पे, देन 7 पे एंड बियॉन्ड स्क्रैचेस बढ़ते दिखाई पड़ते चलेंगे। एंड या अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे लेवल 9 से स्क्रैच कर दिया है, बिकॉज 6 एंड 9 समटाइम्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आपको कलर करके दिखा दिया। लेट्स सी ये एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट एंड फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 7.5 सेकेंड लगे थे यहाँ पे पिक्सल्स को बर्न होने में, ऑलमोस्ट रिकवर्ड भी कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बर्न मार्क है बिकॉज ऑफ द ओलिफोबिक कोटिंग जो यहाँ से हट गई है। अदर देन दैट फॉर द एक्सट्रीम हीट के कंडीशन में भी ये डिस्प्ले आसानी से आपका सर्वाइव कर सकता है। एट द लास्ट इट्स टाइम फॉर द बेंड टेस्ट। ऐसा नहीं कि वन प्लस के फ़ोन बेंड में फेल हुए हैं, यस फ्लैगशिप फोन से फेल हुए हैं एंड बजट फोन्स स्पेशली सी सीरीज काफ़ी फेल हो चुकी है, बट जब से वन प्लस ने लास्ट टाइम फ्लैट फ्रेम का डिज़ाइन यूज़ किया है ये कहानी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। लेट्स फाइंड आउट 25,000 का बजट वन प्लस फोन बेंड टेस्ट में कैसा निकलता है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। कुछ अंदर से अंजर पंजर हिलने की आवाज़ तो आई थी बट ऐसा कोई यहाँ पे इशू आई नहीं। फोन इवन विद द 8 फिंगर प्रेशर स्लाइट फ्लैक्स्ड है, बट या कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम कैटास्ट्रोफिक फेलियर नजर नहीं आ रहा है। लेट्स ट्राई फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2, 1। सो फॉर द बेसिक एंड इवन एक्सट्रीम प्रेशर में भी ये फ़ोन आसानी से सर्वाइव कर सकता है। सो इन द ड्यूरेबिलिटी समरी में इसको हम 7 out of 10 रेट करेंगे। देखो 3 points इसलिए कट किए, 1 point ऑफ कोर्स यहाँ पे कंप्लीट चीप मटेरियल यूज़ किया गया बिकॉज इज अ कॉम्प्रोमाइज एडिशन वन प्लस, दैट्स वाई वो है। सेकेंड जो फ्लॉ यहाँ पे लगी वो ऑफकोर्स डिस्प्ले में जो स्क्रेचेस आसानी से नजर आ रहे हैं, 2 points। थर्ड पॉइंट जो डिटेक्ट किया गया वो ऑफकोर्स इसमें जो रेन वाटर टच का है, एज एडवर्टाइज ये परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, या थोड़ा सा वर्क कर थोड़ा सा वर्क नहीं करता है। अदर देन दैट फोन बैंड में सॉलिड है, इवन विद द लिक्विड टेस्ट में भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी आप इसका फुल रिव्यू चेक कर सकते हैं कि ये फ़ोन इवेंचुअली कैसा है, क्या आप इसको बाय करें ना बाय करें। वेल इन द समरी इट्स नॉट द बेस्ट 5G फोन यू शुड लुक फॉर। थैंक यू सो मच गाइस, सी द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।